हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज क्या आप गेस कर सकते हैं हम लोग कहाँ पर हैं? क्या कोई गेस कर सकता है हम कहाँ पर हैं? किसी को पता चल रहा है? चलो पहले करते हैं वीडियो शुरू, तो शुरू करते हैं फिर देखना है कि कहाँ पर आए हम। देख लो अगर किसी को समझ आ रहा है तो। ये देखो, इसको कहते हैं अंसल प्लाजा और ये है अंसल प्लाजा का मैकडोनल्ड्स। चल रहे हैं मैकडोनल्ड्स, जो हम लाए हैं साथ में सूटकेस। मैकडोनल्ड्स आके कैसा लग रहा है और क्या खाएगी? अच्छा लग रहा है, चेंज किया मतलब पैसा सही है। ये पुराने स्टाइल के मैकडोनल्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, तब से वही है। काफी सारे आज भी उसी टाइम का क्राउड आता है जब हम जिस टाइम पे आए थे, तो ये जगह ओल्ड नहीं हुई है उस हिसाब से, अभी भी वही है। पैदल ही चले तो हम सूटकेस लेके इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इसी के पास है पेट्रोल पंप जिसमें हमने गाड़ी दी है वॉश कराने के लिए। और अभी हम हैं कहाँ? फेमस जगह में, दिल्ली की फेमस जगह। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते थे, अब पता नहीं होते या नहीं होते। होते ही होंगे। अभी सबसे फेमस जगह यहाँ पे पता है क्या थी? क्या थी? प्लैनेटम। प्लैनेटम इधर था ना, इस वाली बिल्डिंग में कहीं। इधर नहीं, आई थिंक इधर आके आता था। ये जो ब्रिज सा था कनेक्टिंग, ये वाला, इससे जाके मेरे को लगता है इस साइड था। ये टिकटॉकर्स हैं भाई, टिकटॉकर्स की टोली आई है और एक यूट्यूबर्स भी हैं सूटकेस लेके घूमते। ये सारा टैलेंट तो यहीं पर है, हम कहाँ पे थे? अब आ गए ना हम टैलेंट की दुनिया में। फाइनली गाड़ी हो गई है वॉश क्योंकि बहुत टाइम से पड़ी थी, थी बंद, तो हम एक्चुअली इसी को लेने आए थे संडे को खाली। गाड़ी का एसी भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है भाई, कुछ दो राय नहीं है इसके बारे में। ठंड सी लग रही है बाहर, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो। 42 है। नहीं चलेंगे हम यहाँ से? हाँ, ये आ गया मूलचंद। मूलचंद के पराठे खाएंगे बहुत जल्दी। तो हम इधर आए हैं पापा का कैटरेक्ट ऑपरेशन कराने। पापा का कैटरेक्ट आई ऑपरेशन करवा के ऑपरेशन में लगते 15-20 मिनट ही है, पर उससे पहले और उसके बाद में बहुत टाइम लगता है। बाद में तब भी कब टाइम लगा? कैसा लग रहा है अब आपको? ठीक है ना? बस शाम को पट्टी खुद ही खोल देंगे घर में और कल मॉर्निंग में एक बारी फिर आएंगे ओपीडी में। एक काम हो गया है, इम्पोर्टेंट था बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से, तो जल्दी से ही हुआ है यार। हाफ डे में आपको छुट्टी करके दे दी ऑपरेशन के बाद, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं आई हूँ पापा के साथ इनका सेकेंड डे ओपीडी में टेस्ट कराने। आई टेस्ट हो गया, नंबर रीडिंग तो हो गया, डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे। ये लगे लाइन में चटोरे, आंखें इनकी वही है। ये देखो, ये देखो इनकी आंखें वही है, इसे लपक लपक के खाएंगे। और अगर भल्ला होगा तो मेरे को खिला देना थोड़ा सा। बस तो ये अंकुर का आसान तरीका है। रनिंग करनी नहीं है इसने, और यही पर ही है ना। और बाकी कौन से मोड है? रिलैक्स हो रहा हूँ। बेसिकली आज हुई है घर में डीप क्लीन। अब आई थिंक हमारा सामान आ जाना चाहिए जल्दी। तो ये हमारा आ गया सामान का ट्रक। आई होप सब ठीक ठाक हो अंदर, तो नीचे चल के देखते हैं। उनके दरवाजे ओहो, कीड़ा मेड़ा फड़ा हुआ है चीजें। पेटी ऊपर आ रही है, फर्स्ट पेटी। ये स्लिप, इतने आइटम थे टोटल, हम मैं टिक मार करते जा रही हूँ। दो बॉक्सेस आ गए, टिक करते हैं। भर गया सामान से, ये बॉक्सेस अनपैक होंगे फिर आफत आई। कुछ ये है कारपेट। ये निकल गई अंकुर की बाइक, निकल गई जी बाइक अंकुर की। ये हमारा लास्ट है सोफा निकलने वाला, बाकी सब पहुंच चुका है ऊपर। टेबल टूट चुकी है जो सामने सामने दिख रही है, सोफा फंस गया है। हो रहा है खाने का ऑर्डर, तो कुछ कुछ सामान हमने लगा चुका है। वाईफाई बहुत जरूरी था। ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद आ गया हमारा सामान। बहुत टेंशन हो रही थी मेरे को, है ना? नहीं आएगा फाइनली, लेकिन आ गया, बहुत देर से आया। इसी खुशी में पिज़्ज़ा पार्टी, ये ऑर्डर डन ऑन ज़ोमैटो। चल मिल गया पिज़्ज़ा,
काम अभी भी अधूरा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो हो गई हैं। हाँ, लेकिन देखो खाली पेट ना फौजी जंग भी नहीं लड़ पाता, उसको भी पेट में खाना चाहिए, तो हमें भी चाहिए भैया पहले खाना। हम खाएंगे लेकिन खाने में पिज्जा, क्योंकि ये फट से आ गया भाई। हाँ है ना, 15-20 मिनट्स में ही आ गया। चलो चलो ठंडा हो जाएगा, पिज्जा ठंडा मिला। वो अपनी तरह से लेके आ गया था जल्दी से भाई। सही बात है, उसके ज्यादा टाइम तो हमने लगा दिया खाने में। ये देखो जी, नीतू खा रही है राम लड्डू लाजपत नगर 4 की मार्केट में। यही करने आए थे हम, आए हैं फर्नीचर देखने, लेकिन इसको राम लड्डू पहले खाने हैं, तो वही खाने हम आए हैं। राम लड्डू से शुरू करते हैं ना, इसके बाद गोलगप्पे खाएंगे और मोमोज भी मिलते हैं। अरे भाई हम काम से आए हैं। ये लो तैयार भी हो गए इतनी जल्दी। नीतू लेके आई है एक और फेमस जगह पे, दुकान पे गोलगप्पे खाने। यहाँ के गोलगप्पे मैंने बहुत पहले खा चुके हैं, आज फिर से खाऊंगा। लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, पता नहीं कितनी देर में बारी आएगी, लेकिन अब भी किसी से कम नहीं, लाइन में जरूर खड़े रहेंगे। अभी आ जाएगी, अजी आ जाएगी। हाथ तेज, देखो कैसे हाथ तेज चल रहे हैं। अच्छा वही है, वही बात। तो इतने सालों बाद ये गोलगप्पे खा के आत्मा को शांति मिली है, जैसे तृप्ति मिली है। और जब भी वो वाला टेस्ट अभी थोड़ा सा लगा मुझे, कम फीका था थोड़ा सा पानी, लेकिन तब भी मिर्ची लगी है, मीठी पापड़ी मांगनी पड़ी है। अब हम आए गन्ने का रस पीने, 20, 40 और 70 वाला अब हम पियेंगे, लेकिन 40 वाला दे रहे हो आप? 40 वाला मिल रहा है हमें, क्योंकि 20 वाले के ना पेपर खत्म हो चुके हैं, इसलिए हमें 40 वाला लेना पड़ रहा है। बिक्री डबल हो रही है इस चक्कर में। बर्फ है ना इसमें? बर्फ नहीं है ना? हाँ डाल दो। अच्छा दो में मत डालना। खुल चुका है साउंड बार का डिब्बा और अब लग रहा है साउंड बार। रात को 10:15 ऑन करूं? चल पड़ा।